क्या करना है इन आभूषणों का, जब इस संसार का मेरे लिए कोई अर्थ ही नहीं। ये आभूषण भी तो बंधन ही हैं। इसे फेंकने से क्या होगा? फेंकना है तो अविद्या को फेंक। कौन है आप? कौन हूं मैं? मैं एक अवधूत हूं। अवधूत? वह जिसने उन सभी बंधनों को छोड़ दिया जो नाशवान और क्षणिक हैं, वह जो अविद्या को छोड़ आत्मा के आनंद में अवस्थित रहता है। भगवान, मैं भी उस अविनाशी और अक्षर को जानना चाहता हूं, पर मैं किस गुरु की शरण में जाऊं जो मेरा उस अक्षर और अविनाशी से साक्षात्कार करा सके? गुरु ढूंढ रहा है तो सुन, यह संसार ही गुरु है। मेरे तो 24 गुरु हैं। 24 गुरु? यदु यह धरती सभी को धारण करती है, सभी को समान रूप से आधार देती है, सभी को समान रूप से स्वीकार करो, यह मैंने धरती से सीखा। वायु मेरी दूसरी गुरु है। वायु से मैंने जाना कि साधक को वायु की तरह अच्छे और बुरे से अप्रभावित रहना चाहिए। आकाश मेरे तीसरे गुरु हैं। आकाश से मैंने जाना कि आत्मा आकाश की तरह सर्वव्यापी है, सबसे अप्रभावित, निराकार, निर्विकार, अपनी उसी अवस्था में रहता है। मेरी चौथी गुरु है आग। आग हर आहार ग्रहण करती है, हर समिधा ग्रहण करती है और उसे भस्म कर पवित्र कर देती है। आग से मैंने जाना कि ब्रह्म चिंतक को अग्नि की तरह ही आहार ग्रहण करना चाहिए। सूर्य मेरा पांचवा गुरु है। जिस प्रकार सूर्य की छाया अलग अलग पात्रों के जल में अलग अलग दिखाई देती है, उसी प्रकार यह सारी सृष्टि उसी एक आत्मा की विभिन्न छायाएं हैं। मेरा छठा गुरु कबूतर है। एक बार मैंने देखा शिकारी के बिछाए जाल में कबूतरों के बच्चे फंस गए। हैं? कुछ देर बाद उन्हें छुड़ाने के लिए घोंसले में लौटी उनकी मां भी जाल में फंस गई। उन कबूतरों से मैंने जाना कि किस प्रकार मोह विनाश को आमंत्रण देता है। अजगर मेरा सातवां गुरु है। यदु, जिस प्रकार अजगर अपने शिकार की तलाश में यहां वहां नहीं भटकता, वैसे ही ज्ञान की अभिलाषा रखने वाले को सुख के पीछे यहां वहां नहीं भटकना चाहिए। समुद्र मेरा आठवां गुरु है। जिस प्रकार समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वैसे ही बुद्धिमान को अपनी नैतिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मेरा नौवां गुरु पतंगा है। पतंगा, मूर्ख व्यक्ति इंद्रियों के सुखों की आग में कूद स्वयं को भस्म कर देता है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान की अग्नि में कूद अपने अज्ञान का नाश कर सीमित से असीमित हो जाते हैं। मेरा दसवां गुरु है गज। कौन? हाथी। हाथी के शिकारी हाथी को पकड़ने के लिए नकली हथनी बनाते हैं या पालतू हथनी का प्रयोग करते हैं ताकि वे हाथी को लुभा सके। साधक को काम के आवेग से दूर रहना चाहिए, यह मैंने हाथी से सीखा। मेरा ग्यारहवां गुरु शहद इकट्ठा करने वाला मधुहा। मधुमक्खी शहद इकट्ठा करने में अपना समय गंवाती है और उसका उपभोग शहद इकट्ठा करने वाला मधुहा करता है। इसलिए समय साधनों को एकत्र करने में नहीं, स्वयं को समझने में खर्च करना चाहिए। मछली मेरी बारहवीं गुरु है। यदु, इस प्रकार कांटे में लगे पदार्थ के कारण मछली कांटे में फंस जाती है, वैसे ही मनुष्य प्रलोभनों के कारण संकट में पड़ता है। मेरी तेरहवीं गुरु है गणी का पिंगला। वही पिंगला जिसने अपने विवेक और वैराग्य से आचार्य स्थूली भद्र को भी
नींद से जगाया। मेरा चौदवा गुरु है एक तीर बनाने वाला। उससे मैंने जाना कि आत्मा पर एकाग्रता से ही संसार के प्रपंच को अनदेखा किया जा सकता है। मेरा पंद्रवा गुरु छोटे बच्चे हैं यदु, छोटे छोटे बच्चे जो मान अपमान मेरा तेरा अपना पराया इन सब से परे रहते हैं। मेरा सोलहवां गुरु चंद्रमा है। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा उसी एक पर